स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास फिफ्थ वी एंड अवर वर्ल्ड दैट इज योर सोशल साइंस चैप्टर सिक्स लेजर टाइम। लेजर टाइम क्या होता है स्टूडेंट? लेजर टाइम का मतलब होता है खाली समय। देखिए जब आप काम करके जो है थक जाते हैं तब आपको एंटरटेनमेंट के लिए रिलैक्सेशन के लिए जो टाइम मिलता है वो होता है लेजर टाइम। जब मतलब आप अपनी हॉबीज को कंप्लीट करते हैं, जो चीज आपको करनी पसंद है वो आप करते हैं अपने लेजर टाइम और फ्री टाइम में, तो उसे बोला जाता है लेजर टाइम। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, लेजर और फ्री टाइम इज द टाइम स्पेंड अवे फ्रॉम वर्क फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन। तो लेजर टाइम उस टाइम को कहा जाता है जो कि आपका खाली समय होता है, जिस टाइम आप कोई काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपनी हॉबीज कर रहे होते हैं, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए जो टाइम स्पेंड करते हैं उसे आप लेजर टाइम कहेंगे। फन और रिक्रिएशन इज असेंशियल आफ्टर वर्क। हर काम के बाद मौज मस्ती जो है वो बहुत जरूरी होती है। वी नीड टाइम टू रिलैक्स अवर बॉडी एंड रिफ्रेश अवर माइंड। अगर हम एक ही काम लगातार करते रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप रिटर्न वर्क है वो लगातार कर रहे हैं, रीडिंग है वो लगातार कर रहे हैं, या फिर अपना होमवर्क आप लगातार कर रहे हैं, पढ़ाई आप लगातार कर रहे हैं, या फिर कोई हाउस होल्ड वर्क है वो आप लगातार कर रहे हैं, तो आप कभी ना कभी थक जाएंगे उस चीज से। तो इसलिए आपके माइंड को, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए होती है। तो उस टाइम को जो जब हम रिलैक्स करते हैं या अपनी हॉबीज को कंप्लीट करते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, उस टाइम को हम अपना लेजर टाइम कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स फील करे, रिफ्रेश हो जाए। वी फॉलो डिफरेंट लेजर टाइम एक्टिविटीज दैट गिव प्लेजर एंड कीप अस बिजी। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप की लेजर टाइम एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स कर देती हैं और हमें बिजी भी रखती हैं। अब लेजर टाइम और फ्री टाइम की हम डेफिनेशन कर चुके हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लेजर टाइम और फ्री टाइम वो टाइम होता है जब हम टाइम स्पेंड करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी हॉबीज को कंप्लीट करने के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए, जो चीज हमें पसंद है। लेजर टाइम एक्टिविटीज आर नॉट न्यू। लेजर टाइम एक्टिविटीज कोई नई चीज नहीं है। The evidences from the excavation of ancient towns of Mohenjo-daro and Harappa tell us that the man has enjoyed different types of leisure activities. Excavation क्या होती है student? खुदाई करना। जब evidences मिले थे खुदाई करके, जो कि ancient time था Mohenjo-daro और Harappa के time का, तो उस time भी लोग जो है बहुत सारी different leisure time activities को enjoy करते थे। ऐसा नहीं है कि ये modern activities हैं, कुछ leisure time अभी start हुआ है, ऐसा नहीं है। तो पुराने time से भी leisure time activities की जाती थी। In earlier times man played marbles, balls and dice games for recreation. डाइस गेम्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? जैसे आप लूडो खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होता है, तो उस टाइप के गेम्स जो होते हैं उन्हें डाइस गेम्स बोला जाता है, जिसमें डाइस का यूज होता है। मार्बल्स कौन से होते हैं? जैसे कंचे वगैरह बोले जाते हैं उन्हें मार्बल्स कहा जाता है। बॉल्स आपको पता ही है। तो इस तरह के गेम्स जो है पहले के टाइम में भी खेले जाते थे फॉर रिक्रिएशन, फॉर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने लेजर टाइम को स्पेंड करने के लिए। लेजर एक्टिविटी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब हम लेजर एक्टिविटी की बात करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल टाइम में मतलब कि पुराने टाइम में और मॉडर्न टाइम में जो है कौन कौन सी लेजर एक्टिविटीज की जाती हैं। सब एक्टिविटीज भी पहले के टाइम में होती थी, जैसे मार्शल आर्ट हो गया, हंटिंग मतलब शिकार करना हो गया, स्विमिंग हो गई है, चैरियट रेसिंग होती थी जैसे रथों की रेस होना, एंड रेसलिंग वर आल्सो पॉपुलर। ये सब एक्टिविटीज भी बहुत पॉपुलर होती थी। मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज आज भी मॉडर्न टाइम में भी करी जाती हैं, एक्सेप्ट हंटिंग। हंटिंग जो है शिकार करना अब नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बैन कर दिया गया है हमारे गवर्नमेंट, हमारे लॉ की तरफ से। मेनी पॉपुलर लेजर टाइम एक्टिविटीज टूडे आर, आजकल जो सबसे ज्यादा मेन कॉमन लेजर टाइम एक्टिविटीज है वो है वॉचिंग टेलीविजन एंड सिनेमा, वीडियो गेम्स, वर्किंग आउट इन जिम एंड बैडमिंटन, टेनिस, पोलो एटसेट्रा। अब ये सब एक्टिविटीज जो है आजकल मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं, जैसे कि टेलीविजन देखना, सिनेमा देखना, वीडियो गेम्स खेलना, जिम में एक्टिविटीज करना, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, पोलो खेलना एटसेट्रा। ये सिर्फ कुछ गेम्स के नेम दे रखे हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आपको जो गेम पसंद है वो यहां पर नहीं है तो वो लेजर टाइम एक्टिविटी नहीं है। कोई भी गेम यहां पर, ये थोड़े से एग्जांपल्स के वे में दे रखे हैं, कोई भी गेम जो भी आप प्ले करते हैं आउटडोर इनडोर, वो सब आपका लेजर टाइम एक्टिविटीज में भी आता है। अब आगे है बोर्ड गेम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड गेम्स हैव एंटरटेन मेनी जनरेशन ऑफ इंडियंस। सम बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज एंड चोपर हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बोर्ड गेम्स जो हैं वो एंटरटेन करते आ रहे हैं बहुत सारी जनरेशन को, मतलब कि पुराने टाइम से ही बोर्ड गेम एक्टिविटीज जो है चलती हुई आ रही हैं। हमने ये अपनी हिस्ट्री में भी देखा है, माइथोलॉजी मतलब पुरानी कथाओं में भी हमने ये चीज पढ़ी है कि शतरंज एंड चोपर जो है वो पहले खेला जाता था, कि अभी भी कई डिफरेंट पार्ट्स में जो है ये गेम अभी भी प्ले किए जाते हैं। और न्यू बोर्ड गेम्स भी आ गए हैं जैसे चेस, लूडो, स्क्रैबल एंड पिक्शनरी है। नाम है अदुहुली अट्टा, जो कि टाइगर एंड गोट गेम होता है। आपको ये नेम दिया जा सकता है टाइगर एंड गोट गेम ऑफ कर्नाटका, तो उसका दूसरा नेम क्या है? अदुहुली अट्टा बोलते हैं उसे। और किस तरह से प्ले किया जाता है? एक जो इसमें प्लेयर होता है वो 3 टाइगर्स को कंट्रोल करता है, व्हाइल द अदर कंट्रोल्स द फ्लॉक ऑफ 15 गोट्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। आप स्टार मार्क कर लेंगे अलुगुली मेन और पलनगुली इज प्लेड इन तमिलनाडु। कहां पे ये ज्यादा खेला जाता है? तमिलनाडु में। इस गेम का नेम क्या है? इट इंप्रूव्स द स्किल ऑफ मेंटल कैलकुलेशन एंड कंसंट्रेशन। ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है और मेंटल कैलकुलेशन की स्किल्स को इंप्रूव करता है।
है। इसमें आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आ सकता है। सबसे पहले तो ये कहां पे ज्यादा प्ले किया जाता है वो आपको याद करना है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। क्या क्या इनसे जो है डेवलप होती है, जैसे इससे डेवलप होती है स्ट्रेटेजी एंड टीम वर्क, इससे डेवलप होती है मेंटल कैलकुलेशन स्किल्स एंड कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होती है। तो ये दो गेम भी आपके इंपॉर्टेंट है। डू यू नो ऑल बोर्ड गेम्स स्टिमुलेट द माइंड, टीचेस पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। सारे बोर्ड गेम्स जो होते हैं वो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, तेज बनाते हैं, टीच पेशेंस, हमें पेशेंस सिखाते हैं एंड कंसंट्रेशन लगानी सिखाते हैं उस पर्टिकुलर चीज में। दे आर इनएक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते, मतलब महंगे नहीं होते हैं, एंड इजिली अवेलेबल, बहुत ही आसानी से आपको शॉप में मिल जाएंगे। मोर ओवर दे आर आइडियल फॉर ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी के लिए जो है बेस्ट होते हैं। मतलब कि आइडियल फॉर ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है कि ग्रुप एक्टिविटी में खेलेंगे तो आपको इसमें ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे आप। ये है आपका देखिए अदुहुली अट्टन जो कि कर्नाटक का फेमस गेम है, और ये है अलुगुली मेन जो कि आपका तमिलनाडु का मेन गेम है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, आपको पिक्चर भी आ सकती हैं इसमें, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से देख के जाएंगे। देन आ गई है बोट रेसेस। इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड टू बी अ स्किलफुल बोटमैन टू क्रॉस ओवर वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कौन सी होती है स्टूडेंट, जैसे सी, रिवर, लेक्स, ये सब वाटर बॉडीज होती हैं। तो इन सबको क्रॉस करने के लिए स्किलफुल बोटमैन हुआ करते थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फिशरमैन, वो फिशरमैन भी एक्सपर्ट हुआ करते थे। फिशरमैन कौन होते हैं स्टूडेंट, जो कि फिशेज को पकड़ते हैं, जो जॉब के लिए फिशेज को पकड़ते हैं, मतलब कि उनका व्यापार होता है फिशेज को पकड़ के उनको बेचना, या फिर अपनी हॉबी के लिए फिशेज को पकड़ते हैं, उन सबको भी फिशरमैन कहा जाता है। तो वो एक्सपर्ट फिशरमैन भी हुआ करते थे। ही यूज्ड कैनोए और राफ्ट्स एंड लेटर सेल बोट्स। देखिए कैनोए क्या होती है, कैनोए होती है ये जो कि आपको दिखाई दे रही है, जो कि नैरो होती है एंड पॉइंटेड होती है दोनों तरफ से। ये नैरो होती है और पॉइंटेड है दोनों तरफ से, और ये किससे चलती है, एक सिंगल ब्लेडेड पैडल से ये चलाई जाती है, और इसको बोला जाता है राफ्ट। ये राफ्ट जो होती है ये कैसे बनती है, वुड्स को एक साथ बांध बांध के बनती है, मतलब वुड्स टाइड टुगेदर, जब वुड्स को बांध दिया जाता है तो उससे क्या बनती है, ये राफ्ट बनती है, इसे बोला जाता है राफ्ट। टाइम में केनोय और रेफ्ट यूज की जाती थी, बाद में सेल बोट आ गई थी। इवन टुडे बोट्स आर अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड, लोगों को ले जाने के लिए और सामानों को इधर से उधर ले जाने के लिए आज भी जो है बोट्स एक कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। दे आर यूज्ड फॉर फिशिंग एज वेल एज प्लेजर, ये फिशिंग के लिए भी यूज किए जाते थे, और प्लेजर मतलब कि अपनी हॉबीज के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट फिशरमैन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए ही फिशेज को कैच कर रहे हैं, कई जो है अपने प्लेजर के लिए, अपनी हॉबीज के लिए भी जो है फिशेज को कैच करते थे। तो इसमें यही बताया गया है, दे आर यूज फॉर फिशिंग एज वेल एज प्लेजर। इन रिसेंट टाइम्स मोटराइज बोट्स एंड फास्टर शिप्स हैव मेड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी पॉपुलर। टाइम में जो है बोट मैनुअली चलानी पड़ती थी, मतलब कि हाथ से चलानी पड़ती थी, लेकिन आजकल जो है मोटराइज बोट्स आ गई हैं और फास्टर शिप्स आ गई हैं, जिसके कारण वाटर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। और ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, सेलिंग मतलब नाव चलाना हो गया, एंड वाटर स्कीइंग, जिसकी पिक्चर आप नीचे देख पा रहे हैं। तो ये आपको दिखाई दे रही है मोटराइज बोट्स जो कि मोटर से चल रही है, ये देखिए, और ये है आपकी शिप जिसको जिसकी बात कही गई है, जो कि फास्टर शिप होती है। तो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, पिक्चर सबकी आपको बहुत ही अच्छी तरह से देख के जानी है, क्योंकि आइडेंटिफाई दी इमेज में कुछ भी आ सकता है। देन है डू यू नो स्नेक बोट रेस ऑफ केरला ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ विजिटर फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। तो बोट रेस जो है केरला की, आपको याद रखना है कि कहां पर होती है, ये केरला में होती है। इस रेस का नेम क्या है, स्नेक बोट रेस नेम है, और कौन से फेस्टिवल पे होती है, ओनम फेस्टिवल पे, जो कि थाउजेंड हजारों में जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है तरफ इंडिया के और अब्रॉड के। ये देखिए आपको पिक्चर में यहां पे दिखाई दे रही है स्नेक बोट रेस। देन आगे है मार्शल आर्ट, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, क्विक मूवमेंट वर नेसेसरी फॉर द एंशियंट मैन इन हंटिंग, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर। पहले के लोगों को जो है फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नेसेसरी थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा थी, इसलिए एंशियंट टाइम में फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी मतलब क्विक मूवमेंट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। किस वजह से, शिकार करने के लिए, क्लियर करने के लिए एंड अपने आप को बचाने के लिए किसी भी डेंजर से। His thrill at winning over an opponent was beginning of martial art as a sport. ओपोनेंट से जीतने के लिए जब वो रोमांचक एक्टिविटीज करते थे, मतलब कि क्विक मूवमेंट करते थे, जो फुर्तीली मूवमेंट होती थी उनकी, मतलब इधर से उधर जो है क्विक मूवमेंट करते थे वो, तो उसी से मार्शल आर्ट एज अ स्पोर्ट की बिगनिंग हुई। मार्शल आर्ट होता क्या है स्टूडेंट, मार्शल आर्ट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैट दैट इज फाइट, जो कि लड़ाई होती है, और सेल्फ डिफेंस मतलब अपने आप की सुरक्षा। इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। तो मार्शल आर्ट एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि फाइट के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए की जाती है। इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, इसके लिए एक्टिविटीज जो है इसके लिए जरूरी है। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से अकेली मार्शल आर्ट आपको नहीं आएगी, फिजिकल स्ट्रेंथ होनी जरूरी है, स्किल्स आपको आने जरूरी है, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा मार्शल आर्ट सीखने के लिए, एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तब आपको मार्शल आर्ट आएगी। तो इसको भी आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए। और कैसे मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई वो भी आप लिख सकते हैं, कि जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी और एजिबिलिटी मतलब कि क्विक मूवमेंट होती थी, उसके जो दूसरे ओपोनेंट से जीतने के लिए जो उनके थ्रिल्स होते थे, क्विक एक्टिविटीज होती थी, उससे ही मार्शल आर्ट की बिगनिंग हुई। डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम्स। डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म जो है वो इंडियन कल्चर की और ट्रेडिशनल गेम के पार्ट्स रहे हैं हमेशा से। द इंडियन रेसलिंग, कुश्ती इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट।
जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म रही है मार्शल आर्ट की, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए कि कुश्ती जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म रही है मार्शल आर्ट की, आपसे पूछा जा सकता है। डैश इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। नाउ मार्शल आर्ट ऑफ जूडो, कराटे, टाइक्वांडो एंड कुंफू आर पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ये कुछ पॉपुलर स्पोर्ट है जो कि इंडिया में भी एंड वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं जूडो की, ये आप जूडो की पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं। पिक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान रखना है उनका। देन है, डू यू नो फॉलोइंग आर सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। ये कुछ पॉपुलर फॉर्म है मार्शल आर्ट जो कि इंडिया में प्ले किया जाता है। थेंगता इज अ मणिपुरी मार्शल आर्ट, ये आपको जरूर याद रखना है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए कि मणिपुरी मार्शल आर्ट को क्या बोला जाता है, थेंगता। दिस मार्शल आर्ट यूज ग्रेसफुली मूवमेंट स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स। मार्शल आर्ट यूज ग्रेसफुल मूवमेंट, ग्रेसफुल मूवमेंट्स होती है इसमें, कुछ बहुत ही अच्छी मूवमेंट्स होती है। स्वॉर्ड्स मतलब कि तलवारें यूज होती है एंड स्पीयर भाले भी यूज होते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। मणिपुरी मार्शल आर्ट किस नाम से फेमस है, थेंगता या थेंगता आ गया है, इज कौन सी मार्शल आर्ट है, ये मणिपुरी मार्शल आर्ट के नाम से फेमस है। और इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, ग्रेसफुल मूवमेंट, स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स। तो ये पिक्चर भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे, अगर आपके पिक्चर आइडेंटिफिकेशन आती है तो आप ये आराम से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट आ गई है आपकी कलारिपू, कलारिपयट्टू द ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट। ये ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट है जो कि प्रैक्टिस की जाती है केरला में, तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप। इट इंक्लूड स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स मतलब प्रहार करना, दूसरे पे जो है प्रहार करना, किक करना, और कुछ वेपन्स मतलब कि कुछ हथियार भी इसमें यूज किए जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पिक्चर भी आप अच्छी तरह से देख के जाएंगे, नेम भी अच्छी तरह से देख के जाएंगे, और कहां पर यह होती है ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ गया है योगा, आसना एंड प्राणायाम। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस मेक्स अस सिक एंड टायर्ड। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो होता है हमें बीमार कर सकता है और हमें थका हुआ महसूस होता है उससे। योगा हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। योगा हमें हेल्प करती है एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए। इट ऑल्सो गाइड अस टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट्स, ये हमें राइट ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी बताती है। योगा जो है वो एक मॉडर्न एक्टिविटी है, योगा जो है हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर का एक पार्ट रहा है। इन रीसेंट टाइम, आज के टाइम में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी। योगा टीचेस वेरियस आसन्स मतलब पोस्चर, आसन का मतलब होता है पोस्चर्स बताना, टू बिल्ड एनर्जी, टोन अवर मसल्स एंड कीप अवर बॉडी फिट। योगा से, योगा करने से, आसन्स करने से, जैसे आपको बोला जाता है स्टूडेंट अगर मॉर्निंग में आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी तरह से आती है, आपको जब आसन लगाते हैं उससे क्या होता है आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, आप फिजिकली फिट रहते हैं, आप में एनर्जी जो है भरपूर रहती है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि योगा हमें क्या क्या सिखाती है, वेरियस आसन्स, आसन्स मतलब होता है पोस्चर्स, टू बिल्ड एनर्जी, एनर्जी बिल्ड करने के लिए, टोन अवर मसल्स हमारी मसल्स को टोन करने के लिए, और हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। योगा डजंट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स और वेन्यू, योगा के लिए हमें कुछ भी महंगी चीजें खरीदने के लिए जरूरत नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी प्रैक्टिस एनीवेयर एट एनी टाइम ऑफ द डे, ये कभी भी प्रैक्टिस की जा सकती है और कहीं पे भी प्रैक्टिस की जा सकती है। मेनली योगा जो है स्टूडेंट आपको बोला जाता है मॉर्निंग में करना बेस्ट होता है योगा। प्राणायाम रेगुलेट्स, अब एक होता है आसन, एक है प्राणायाम। प्राणायाम होता है रेगुलेट्स ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेस अवर बॉडी एज वेल एज माइंड। आसना जो है वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारी मसल्स को टोन करते हैं और हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। प्राणायाम जो है वो उससे हमें ब्रीदिंग अच्छी तरह से आती है, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी एकदम जो है रिलैक्स मोड में आ जाती है, तो हमारी बॉडी एज वेल एज माइंड। इट ब्रीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन है उनको क्योर कर सकता है। इसमें पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों को मेंटेन रखने के लिए। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, द ब्रीथ हेल्प्स अवर बॉडी टू अब्सॉर्ब ऑक्सीजन। जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं, ये आपके साइंस में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रीदिंग क्या होती है, जब हम इन करते हैं तो इन क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को बाहर से एटमोस्फेयर से, हम एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और आउट जब करते हैं तो आउट किसको करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ये हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें यही बता रहे हैं जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को, द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम अवर बॉडी व्हेन वी एक्सहेल। और जब हम एक्सहेल करते हैं मतलब आउट बाहर निकालते हैं हवा को, तो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, यू विल इमीडिएटली फील मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ आप लेते हैं, तो तुरंत आपको जो है मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्सेशन फील होने लग जाती है। रन फास्ट फॉर 2 मिनट्स, जैसे ही आप रनिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग कैसी हो जाती है स्टूडेंट, आपकी ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। एक नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जब आप रेस्टिंग पोजिशन में होते हैं, तब आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे होते हैं जिसमें हमारी 72 पल्स आती है पर मिनट। लेकिन जब हम कोई भी रनिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, स्किपिंग रोप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप फिजिकल एक्टिविटी, तो उससे आपकी ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो जाती है।
नेक्स्ट आ गया है आपका ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड. अ वुड कटर वॉज फीलिंग कोल्ड इन अ डीप फॉरेस्ट एंड ब्लू ऑन हिज हैंड. तो ये स्टोरी आपने पहले भी पढ़ी हुई है स्टूडेंट, जिसमें मिया बलिश्ते था वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि एक वुड कटर था वो, उसको जब बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी एक डीप फॉरेस्ट के अंदर, तो उसने अपने हैंड्स पर ब्लू करना स्टार्ट किया. तो वुड कटर से उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वुड कटर ने उन्हें आंसर दिया क्योंकि मैं अपने आप को जो है थोड़ा गर्म रखना चाहता हूँ, वार्म रखना चाहता हूँ. और तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वुड कटर जो है एक पोटैटो को भी ऐसे ही ब्लो कर रहे हैं. तब मिया बलिश्ते जो है कंफ्यूज हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि पोटैटो तो पहले ही जो है बहुत ज्यादा गर्म है, आप इन्हें अब और गर्म क्यों कर रहे हैं. तो वुड कटर ने रिप्लाई किया कि नहीं, मैं अब इन्हें ठंडा कर रहा हूं. तो इसमें क्या रीजन होता है स्टूडेंट, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड का क्या मतलब होता है, मिया बलिश्ते इसमें कंफ्यूज हो गए थे. कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है साइंस ही है इसके पीछे की. देखिए आपके माउथ की एयर जो है वो आपके हिसाब से चेंज नहीं होती है कि आपको किसी गर्म चीज पे डालनी है तो वो ठंडी एयर आएगी, या फिर आपको जो है अपने हैंड गर्म करने हैं तो उस पे गर्म एयर आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हमारे माउथ की एयर जो होती है उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है, हमारी इच्छा से चेंज नहीं होता है. लेकिन इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, जैसे आप जो है जब थोड़ी स्पेस से, मतलब कि एक नैरो स्पेस से जब आप ब्लो करते हैं तो वो क्या होती है एयर आपकी धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाती है, मतलब कि किसमें मिक्स हो जाती है, फिर वो आउटसाइड एयर में मिक्स हो जाती है, तो वो आपको कूल लगती है. आप ये चीज करके देखिएगा, जब आप नैरो स्पेस से अपनी अपने एयर को ब्लो कर रहे हैं तो वो आपको ठंडी लगेगी, कूल लगेगी. और जब आप पूरा माउथ एक्सपेंड करके, पूरा माउथ खोल के जो एयर को बाहर जो है आउटसाइड छोड़ते हैं तो वो आपको वार्म लगेगी एज कंपेयर टू दूसरे वाले के. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपके माउथ में एयर जो है ठंडी भी है गर्म भी है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट. जब आप जितना पास आपके ऑब्जेक्ट होगा तो आपको वो वार्म लगेगी, क्यों, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर से जो एयर निकल रही है वो वार्म है एज कंपेयर टू जो एयर आउटसाइड है. और जैसे सर्दियों के दिन होते हैं तब हम अपने हाथ को बिल्कुल अपने माउथ के पास लाके जब ब्लो करते हैं तो इसीलिए हमें वो थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है, और कुछ रीजन नहीं है स्टूडेंट. यही है कि जब भी बाहर सर्दियों के दिन होते हैं और हम अपने माउथ के पास लेके अपने हैंड में ब्लो करते हैं तो इसीलिए वो हमें गर्म लगते हैं, क्योंकि वो हमारे माउथ के बिल्कुल पास होते हैं. When you blow a narrow stream of air, जैसे मैंने आपको ये बताया, narrow stream of air जब आप blow करेंगे, it feels cold, ये ठंडा लगेगा आपको. And when you breathe with wide mouth open, जब आप जो है पूरा मुंह खोल के जो है breathe करेंगे तो आपको warm लगेगी. We blow on cold things to make them warm. And on hot things to cool them. Try it. ये आप try करके देख सकते हैं. तो नहीं है student, इसमें कोई जादू नहीं है कि भाई आपके mouth के अंदर air hot and cold दोनों रहती हैं और जब आपका मन चाहे तो hot air को आप blow कर सकते हैं and cold air को blow कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. इसके पीछे reason सिर्फ इतना ही है, जितने वो आपके पास contact में होगा उतना आपको warm लगेगा, जितना दूर होगा आपसे object उतना ही आपको वो cold लगेगा. तो इसके पीछे का रीजन यही है. आपके ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर जो होती है जब हम उस नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर को ब्लो करते हैं तो वो कोल्ड लगती है, और जब हम वाइड माउथ ओपन करके जब ब्लो करते हैं तो वो हमें हॉट लगती है. देन आगे है थिएटर. थिएटर हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल सिंस ओल्डन टाइम्स. पुराने टाइम से ही थिएटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है एंटरटेनमेंट का. When नोटंकी एंड जत्रा वर पॉपुलर, जब नोटंकी और जत्रा जो है बहुत ही फेमस हुआ करते थे, दे टुक अप थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी. वो माइथोलॉजी से, मतलब पुरानी कथाओं से जो है थीम्स लिया करते थे, या एवरीडे लाइफ के चीजों से जो है थीम लिया करते थे ताकि वो लोगों को एंटरटेन कर पाए. टू एंटरटेन दी मासेस, मतलब लोगों को एंटरटेन कर पाए. द ड्रामेटाइजेशन ऑफ रामलीला एंड कृष्ण लीला अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ पीपल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इवन टूडे. लीला और कृष्ण लीला का जो एक्ट किया जाता है वो भी थाउजेंड ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे अर्बन एरिया है, इवन आज के दिन भी. इन मॉडर्न टाइम थिएटर ड्रामा हैज डेवलप्ड इनटू अ वंडरफुल आर्ट. आज के टाइम में क्या है, थिएटर जो ड्रामा होता था पहले के टाइम में वो अब डेवलप हो गया वंडरफुल आर्ट में. इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय अवर सोसाइटी एंड कंट्री. ये हमें अवेयर भी कर रहा है कि हमारी सोसाइटी हमारी कंट्री जो है क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है. इट ऑल्सो इम्पार्ट एजुकेशन आइडियाज वैल्यूज एंड इन्फॉर्मेशन इन एन अफेक्टिव एंड क्रिएटिव वे. आजकल अफेक्टिव और क्रिएटिव वे में जो है हमें वैल्यूज सिखाई जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, मतलब किसी चीज पे शिक्षा दी जा रही है, आइडियाज दिए जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. थिएटर इज अ वेरी पॉपुलर एज इट एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्टर्स एंड द ऑडियंस. थिएटर जो है वो बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये एक जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाता है किसके बीच में, एक्टर के बीच में, मतलब जो इसमें अभिनय कर रहा है, और ऑडियंस के बीच में, मतलब जो लोग इन्हें देख रहे हैं और जो इसमें अभिनय कर रहा है उनके बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना देता है. जो है एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है इनके बीच में, क्योंकि ऑडियंस जो चीज देखना पसंद करती है स्टूडेंट, एक्टर भी उसी तरह का अभिनय करना चाहता है, उसी तरह का थिएटर जो है उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है.
आ गया है आपका नुक्कड़ नाटक शेयर्ड अवेयरनेस एंड कैंपेन फॉर इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक पॉल्यूशन, इलिटरेसी, करप्शन, राइट ऑफ वुमेन एटसेट्रा. नुक्कड़ नाटक जैसे कि मतलब जो पब्लिक के बीच में जो स्ट्रीट एक प्रेजेंटेशन की जाती है उसे नुक्कड़ नाटक बोला जाता है. वो क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं किन किन इशूज पे, जैसे कि पॉल्यूशन पे, जो कि पॉल्यूशन इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता जा रहा है जिससे कि हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो एक इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है. इलिटरेसी मतलब कि एजुकेशन की कमी, जहां पर एजुकेशन नहीं मिल पाती है इलिटरेसी उसके कारण कितने ज्यादा बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं. करप्शन जो है, राइट ऑफ वुमेन, वुमेन के जो अधिकार हैं उनके ऊपर जो है नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे. देन आपका आ गया है स्टोरी टेलिंग. अ स्टोरी इज कॉल्ड कथा इन संस्कृत. स्टोरी को कथा बोलते हैं संस्कृत में एंड कथाई बोलते हैं तमिलनाडु में. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, कथा बोलते हैं संस्कृत में एंड कथाई बोलते हैं तमिलनाडु में. स्टोरी टेलिंग इज एन एंशियंट आर्ट दैट इन्वॉल्व्स नैरेटिंग अ स्टोरी ओरली. स्टोरी टेलिंग जो होती है मतलब कहानी सुनाना जो है वो एक बहुत ही पुरानी आर्ट है, पुरानी एंशियंट आर्ट है, जिसमें कि क्या होता है एक स्टोरी सुनाई जाती है ओरली, बोल के सुनाई जाती है. द स्टोरी एक्सपोज द लिसनर टू द रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स, कल्चर एंड लैंग्वेज. तो स्टोरी क्या होती है, स्टोरी जो सुनाई जाती है उससे क्या मिलता है लिसनर, मतलब जो सुनने वाला है उसको क्या मिलता है, डिफरेंट थीम्स के बारे में पता लगता है, कल्चर्स के बारे में पता लगता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता लगता है. लिसनिंग टू स्टोरी हैज ऑलवेज बीन अ फेवरेट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रोन अप. तो ग्रोन अप के लिए या चिल्ड्रंस के लिए ये एक फेवरेट एक्टिविटी होती है स्टोरीज को सुनना. मतलब आज के टाइम में भी बच्चे जो है बेड टाइम स्टोरीज को बहुत पसंद करते हैं, कहानियों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं. द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स नैरेट स्टोरी टू गिव इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंड नॉलेज एंड इमेजिनेशन. ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो, पेरेंट्स होते हैं टीचर, वो कोई भी नैरेट कर सकता है, स्टोरी सुना सकता है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ाते हैं और इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हैं. दे हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन. वो चिल्ड्रंस को मदद करते हैं इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करने में. द स्टोरी मे बी फ्रॉम अवर ग्रेट एपिक्स. स्टोरी कहीं से भी हो सकती है, अवर ग्रेट एपिक्स जैसे कि रामायण हो गई है, महाभारत हो गई है, और अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज. किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर या किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर आप स्टोरी जो है दूसरे को बता सकते हैं. द नैरेटर्स यूज अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, चेंज इन वॉल्यूम एंड थीम्स टू मेक द स्टोरीज इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग. जो नैरेटर्स होते हैं, नैरेटर मतलब जो स्टोरी सुनाने वाले होते हैं, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन रखने चाहिए उसमें. मतलब कि जैसे कोई सैड मोमेंट आ रहा है तो उसमें सैड तरीके से सुनाए, कोई हंसी का फन मोमेंट आ रहा है तो उसमें हंसी से सुनाए, कोई सस्पिशियस मोमेंट आ रहा है तो उसमें एकदम ऐसे सुनाए कि बच्चे को लगे कि भाई आगे क्या होने वाला है, ताकि मतलब उसको भी क्यूरियोसिटी बढ़े. तो इस तरह के एक्सप्रेशन की वैरायटी होनी चाहिए उसमें, वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, मतलब कि कहीं पे बिल्कुल धीमी आवाज हो गई है, कहीं पे बहुत तेज आवाज हो गई है, एकदम हॉरर वॉइस आ रही है कहीं पे जो है वो फन लविंग वॉइस आ रही है, तो मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, कहीं पे धीमी आवाज होनी चाहिए, कहीं पे तेज आवाज होनी चाहिए. तो इस टाइप से स्टोरी जो है नरेट करनी चाहिए. एंड थीम्स के अकॉर्डिंग भी, थीम्स भी वहां पर प्रोवाइड करी जानी चाहिए जिससे कि स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग लगती है और एंटरटेनिंग लगती है. दे मे यूज पपेट्स, सॉन्ग्स, म्यूजिक और लाइट्स. तो इसमें क्या यूज किया जा सकता है, पपेट्स यूज किए जा सकते हैं. भाई अलग अलग करेक्टर को एक ही पर्सन दिखाए वो पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें पपेट्स यूज किए जा सकते हैं, सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं अलग अलग टाइप के, म्यूजिक्स लगाया जाता है, या लाइट डिम कर दी गई है एकदम, कहीं पे बहुत ही ब्राइट लाइट कर दी गई है, तो अलग अलग टाइप की लाइट्स भी यहाँ पर यूज हो सकती है. तो ये है सारा था स्टोरी के बारे में. डू यू नो आर के नारायण इज द मोस्ट लव्ड स्टोरी टेलर ऑफ इंडिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन जो है मोस्ट लव्ड स्टोरी टेलर है इंडिया का. तो आर के नारायण इज द मोस्ट लव्ड स्टोरी टेलर ऑफ इंडिया. क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, स्टूडेंट डैश इज द मोस्ट लव्ड स्टोरी टेलर ऑफ इंडिया, या फिर आर के नारायण इज द मोस्ट डैश ऑफ इंडिया, जो कि लव स्टोरी टेलर आएगा. चिल्ड्रन लव टू रीड हिज फेमस स्टोरी, जैसे कि मालगुडी डेज हो गया एंड स्वामी हिज फ्रेंड हो गए हैं. दे हैव ऑल्सो बीन एडेप्टेड एज टीवी सीरियल, वो टीवी सीरियल के रूप में भी आप देख सकते हैं. देन आ गया है रीडिंग. अभी तक हमने स्टोरी टेलिंग पढ़ लिया है, थिएटर पढ़ लिया है, अब आ गया है रीडिंग. बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड. बुक्स जो होती है बेस्ट फ्रेंड होती है. दे एंटरटेन, गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक एंड आर इजिली अवेलेबल. वो एंटरटेन करती है हमें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी टॉपिक के बारे में, और इजिली अवेलेबल होती है. रीडिंग इज अ लेजर टाइम एक्टिविटी दैट इज क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर्स. रीडिंग जो है वो एक ऐसी लेजर टाइम एक्टिविटी है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है चिल्ड्रंस में भी और एल्डर्स में भी. इवन मेरी भी जो फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटी है वो रीडिंग है. मुझे नॉवल्स पढ़ने बहुत पसंद है. तो रीडिंग जो है वो आपकी भी स्टूडेंट एक बेस्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, लेजर टाइम एक्टिविटी. इससे आपकी वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड आपकी वर्ड मीनिंग की कैपेसिटी वो भी इंक्रीज होती है. तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है. आपके जैसे एग्जाम होते हैं उस टाइम भी आप रीडिंग कीजिए. डेली का आप टाइम बनाइए, एक्टिविटी बनाएंगे कि मुझे 10 मिनट्स, आप 10 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हैं कि 10 मिनट्स मुझे जो है 2 पेजेस डेली रीड करने हैं. कोई भी स्टोरी के हो सकते हैं, किसी भी आपकी रीडर बुक के हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में आप रीडिंग कीजिए. बहुत ही अच्छी हैबिट है जो कि आप धीरे धीरे एक डिसिप्लिन वे में अगर करेंगे तो इससे आपकी काफी कुछ जो है वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग कैपेसिटी तो काफी कुछ इंक्रीज होगा और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी.
तो रीडिंग जो है वो एक लेजर टाइम एक्टिविटी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है चिल्ड्रंस के बीच में भी और एल्डर्स के बीच में भी। इट एनहांसेस नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये जो है हमारी नॉलेज को भी एनहांस करती है, बढ़ाती है, और अवेयरनेस को भी, मतलब हमें दूसरों के बारे में, चीजों के बारे में ज्यादा पता लगता है। आगे है आपका रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। रीडिंग जो है माइंड के लिए होती है जैसे एक्सरसाइज बॉडी के लिए होती है। अ पर्सन इज नेवर अलोन इफ ही और शी इज द कंपनी ऑफ बुक्स। बुक्स को हमारा बेस्ट फ्रेंड बोला गया है। अगर हम कभी भी अलोन फील नहीं करेंगे अगर बुक्स की कंपनी हमारे पास है तो। रीडिंग ऑल्सो हेल्प अस टू डेवलप इमेजिनेशन एक्सप्रेशन एंड वोकेबुलरी। इमेजिनेशन पावर आपकी इंक्रीज होती है, सोचने की क्षमता आपकी इंक्रीज होती है। एक्सप्रेशन की पावर, एक्सप्रेशन की पावर मतलब कि मान लीजिए किसी के आप नैरेटर बन रहे हैं किसी स्टोरी के, किसी स्टेज शो के आप एंकर बन रहे हैं, तो किस चीज को कैसे एक्सप्रेस करना है उसकी पावर आपकी इंक्रीज होती है। एंड वोकेबुलरी पावर आपकी इंक्रीज होती है रीडिंग से। पॉपुलर लेजर टाइम वेन्यूज, वेन्यूज का मतलब होता है स्पेस जहां पर लेजर टाइम एक्टिविटीज की जाती है। चौपाल, अ मीटिंग प्लेस ऑफ विलेजर्स। चौपाल जो है वो एक मीटिंग प्लेस है विलेजर्स का, मतलब गांव के लोगों का मीटिंग प्लेस क्या है, चौपाल है। सिंस ओल्डन टाइम्स अ फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटी इन द विलेज हैज बीन टू सिट एट अ चौपाल एंड चैट। पुराने टाइम में जो फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटी होती थी विलेजर्स में, मतलब गांव में, वो क्या होती थी, चौपाल में बैठना और बातें करना। द विलेज एल्डर्स एंड द पंच सिट देयर टू सॉल्व डिस्प्यूट्स और टू डिस्कस द इशू रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द विलेज। विलेज एल्डर्स एंड द पंच सिट देयर टू सॉल्व डिस्प्यूट्स और टू डिस्कस द इशू रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द विलेज। जो गांव के बुजुर्ग थे और पंच थे वो वहां पर बैठते थे ताकि कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी लड़ाई झगड़ा है या कोई भी इशू ऐसा है जो कि गांव की भलाई के लिए, लोगों की के लिए करना है, तो वो इशू के वहां पर डिस्कशन किया जाता था और उनको जो है सॉल्व किया जाता था। चौपाल द मीटिंग प्लेस वेयर पीपल सिट टू रीड न्यूज़पेपर्स, वॉच टेलीविजन, शेयर देयर जॉय, सोरो, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। चौपाल एक ऐसी जगह होती थी, एक ऐसा मीटिंग प्लेस होता था गांव में जिसमें कि लोग बैठ के न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, टेलीविजन देखते थे, अपनी जो है वो अपने जॉय मतलब खुशी की चीजें, सोरो मतलब दुख की चीजें, वहां पे अपना सुख दुख बांटते थे एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, और फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते थे। ड्यूरिंग द फ्रीजिंग विंटर मंथ्स द लद्दाखी सेलिब्रेट मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड अदर इवेंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द ओपन स्पेस। फ्रीजिंग विंटर होती है मतलब कपकपाने वाली सर्दी के महीने होते हैं, उनमें लद्दाखी जो है बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के इवेंट्स को करते हैं ओपन स्पेसेस में, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। द बुद्धिस्ट होल्ड डांस, बुद्धिस्ट क्या करते हैं, डांस, म्यूजिक एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिशन्स करते हैं। इन दी समर्स द लद्दाखीज ईगरली लुक फॉरवर्ड टू पोलो एंड आर्चरी, और समर में लद्दाखी जो है वो पोलो एंड आर्चरी, आर्चरी क्या होता है, तीरंदाजी, और पोलो गेम होता है, इन दोनों का जो है आनंद उठाते हैं। अर्बन वेन्यूज, तो ये अभी हमने गांव की बात करी थी, अब अर्बन वेन्यूज क्या है यहाँ पर। इन सिटीज एंड टाउन्स, सिटीज और टाउन्स में मोस्ट पीपल गेट टुगेदर एट पार्क, बैंकेट हॉल्स एंड मार्केट प्लेसेस, लाइब्रेरीज, कॉफी हाउसेज, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी सेंटर एटसेट्रा। सिटीज और टाउन्स में जो है लोग अपनी गेट टुगेदर मतलब मिलने जुलने वाली एक्टिविटीज जो होती है, जैसे कोई भी बर्थडे पार्टी हो गई है, कोई गेट टुगेदर करनी है फैमिली की, तो वो कहां पे की जाती है, ज्यादातर पार्क में की जाती है, बैंकेट हॉल्स में की जाती है, मार्केट प्लेसेस में होती है, लाइब्रेरी में, कॉफी हाउसेज में, रेस्टोरेंट में एंड कम्युनिटी सेंटर्स में। द इम्पॉर्टेंट ओकेजन फॉर मीटिंग आर वेडिंग, जैसे कि इम्पॉर्टेंट ओकेजन कौन से होते हैं जब लोग आपस में मिलते हैं, रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, वो होती हैं वेडिंग्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, किटी पार्टीज, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस, पॉलिटिकल मीटिंग्स और जस्ट गेट टुगेदर्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो कौन कौन सी होती हैं वो, वेडिंग जो शादियां होती हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होती हैं, किटी पार्टीज होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं। एग्जीबिशंस जो हैं आपको जैसे फेयर में दिखाई देंगी, मेलों में दिखाई देंगी, वहां से आप जो है चीजें खरीदते हैं, गेम्स को एंजॉय करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं और गेट टुगेदर होती हैं फ्रेंड्स की या फैमिली की। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज आर स्टिल फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारी जो पुरानी लेजर टाइम एक्टिविटी होती थी वो अभी भी कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में फॉलो की जा रही हैं। मैनी न्यू एक्टिविटीज हैव ऑल्सो बीन पॉपुलर, अभी कुछ न्यू एक्टिविटीज भी जो है पॉपुलर हो गई हैं, जैसे कि प्लेइंग स्क्वैश, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एरोबिक्स, विजिटिंग आर्ट गैलरीज और लिसनिंग टू म्यूजिक और कैरोके। स्पोर्ट्स एज एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन, आर्चरी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग आर लेजर टाइम एक्टिविटीज फॉर बोथ एंड बॉय एंड गर्ल। बॉय कुछ गेम्स हैं जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंजॉय कर सकते हैं अपने लेजर टाइम एक्टिविटी में। दे आर फन टू प्ले, वॉच और इवन लिसन टू द कॉमेंट्री। गेम्स को जो है खेलना भी बहुत पसंद होता है, इन गेम्स को देखना भी बहुत पसंद होता है, इन गेम्स की इवन कॉमेंट्री सुनना भी जो है सबको बहुत पसंद होता है। सम ऑफ देम आर इंडिविजुअल गेम्स वेयर एज अदर्स आर टीम गेम्स स्पोर्ट्स। कुछ गेम्स जो है वो इंडिविजुअल गेम्स हैं और कुछ गेम्स जो है वो टीम गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि टीम गेम कौन से हो गए, जैसे आपकी क्रिकेट हो गई है, हॉकी हो गई है, फुटबॉल हो गई है, वॉलीबॉल हो गई है, ये सब आपके टीम गेम होते हैं, और बैडमिंटन हो गया, पोलो हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके इंडिविजुअल गेम्स होते हैं। इन रिसेंट टाइम दे हैव बिकम करियर ऑप्शन फॉर दोज हु हैव अ कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, और ये एक करियर ऑप्शन भी बन सकता है, मतलब इसमें बच्चा अपना करियर भी बना सकता है जो कि जिसको कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो उस पर्टिकुलर गेम में या स्पोर्ट्स में। अ स्पोर्ट पर्सन नीड्स टू हैव एंथुजियाज्म, सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, फिजिकल स्टेमिना, मेंटल अलर्टनेस एंड कॉन्फिडेंस टू फेस चैलेंजेस। एक स्पोर्ट्समैन में जो है एंथुजियाज्म होना चाहिए,
सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब वो सेल्फ मोटिवेट रहे, ऐसा नहीं कि एक गेम हार गया है तो दूसरे गेम के लिए अब वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। सेल्फ मोटिवेट उसे होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन एक्टिविटी करी है, एक दिन प्रैक्टिस करी है, दूसरे दिन आपने नहीं करी है। डिसिप्लिन होना चाहिए, डेली जो है एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है। डिसिप्लिन होना चाहिए, फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए जो कि आपको एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटीज से आता है, मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए एंड कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ताकि वो कोई भी चैलेंजेस उनके रास्ते में आए तो उनको वो फेस कर सकें। टीम गेम्स टीचेस डिसिप्लिन, टीम गेम्स जो होती हैं वो डिसिप्लिन सिखाती हैं, हार्मनी सिखाती, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, इससे टीम स्पिरिट आती है, डिसिप्लिन बनता है कि टीम में हमें किस तरह से खेलना है, दूसरे से हमें कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे पेशेंस लेवल अपना मेंटेन रखना है और कैसे हार्मनी मतलब कि मिलजुल कर खेलना है, तो ये सब चीजें हमें जो है टीम गेम से मिलती हैं। वी हैव मेनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु हैव अर्नड नेम एंड फेम फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर कंट्री, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत ज्यादा नाम कमाया है, जैसे कि विराट कोहली, सानिया मिर्जा, जसपाल राणा, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, मार पुमा, टू नेम अ फ्यू। दे हैव इंस्पायर्ड मेनी अदर टू परस्यू स्पोर्ट्स एज अ कैरियर, उन्होंने इतना इंस्पायर किया दूसरों को भी कि वो भी स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ फेमस पर्सनैलिटी, सबसे पहले हैं जसपाल राणा जिनका की गेम है शूटिंग, एंड MS धोनी जिनका गेम क्रिकेट है, विराट कोहली क्रिकेट, मैरी कॉम बॉक्सिंग, MR पुमा एथलेटिक्स, सानिया नेहवाल बैडमिंटन। तो ये भी आप पिक्चर्स सारी ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है, इनका नेम पूछा जा सकता है। देन चैप्टर की एक्सरसाइज जो है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है क्वेश्चन आंसर की, वो आप जाके देख लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, इनमें से किसी की भी फोटो आ सकती है जिसमें उनका नेम आपको स्पेसिफाई करना होगा और इवन आप उनका स्पोर्ट भी जो है वो अच्छी तरह से लर्न करके जाएंगे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ट्रेडिशनल टाइम में जो है एक्टिविटीज कौन सी होती थी, लेजर टाइम एक्टिविटीज, वो आपको दे रखी होंगी कंप्लीट दी एनालॉग में, और आपको जो है अर्बन की मतलब जो मॉडर्न टाइम की एक्टिविटीज हैं वो उसमें स्पेसिफाई करनी होंगी, ये आपको लर्न करके जाना है। देन लद्दाखीज में विंटर सीजन में जो फ्रीजिंग विंटर सीजन होता है उसमें रिलीजियस फेस्टिवल एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से वो ओपन एरिया में उसे सेलिब्रेट करते हैं, ओपन स्पेस में, और जो समर्स में होता है तो ये दोनों गेम का नेम आपको लर्न करना है, पोलो एंड आर्चरी। नेक्स्ट आपका आ गया है, ये आपके क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है कि चौपाल एक मीटिंग प्लेस कैसे है विलेजर्स का, ये मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा हुआ है। स्पोर्ट्समैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वन मार्क में आ सकता है, जैसे एंथुजियाज्म, सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, फिजिकल स्टेमिना, मेंटल अलर्टनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग को संस्कृत में क्या कहते हैं, कथा कहते हैं, एंड तमिलनाडु में क्या कहते हैं, कथाई कहते हैं। और स्टोरी टेलिंग जो है उससे हमें कैसे वैल्यूज मिलती हैं, वो हमें क्या सिखाती है, वो चीज आ सकती है आपके क्वेश्चन आंसर में। देन आपके डू यू नो जो होते हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें जो है आर के नारायण जी, इनका नेम जरूर याद रखेंगे कि ये मोस्ट लव्ड स्टोरी टेलर थे इंडिया के, और इनकी कुछ स्टोरीज के नेम जैसे कि मालगुड़ी डे, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होनी चाहिए। बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, ये भी आपके आ सकता है। रीडिंग जो है वो एक बेस्ट लेजर टाइम एक्टिविटी है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा किस लिए है वो, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड प्लीज एक्सप्लेन, या फिर रीडिंग इज अ लेजर टाइम एक्टिविटी प्लीज एक्सप्लेन। डू यू नो जो है वो आपको सारे पढ़ने, डू यू नो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थिएटर इज अ वेरी पॉपुलर एज इट एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन एक्टर्स एंड ऑडियंस, तो इसमें से एक्टर या ऑडियंस में भी जो है डैश आ सकता है या फिर थिएटर में डैश आ सकता है। ये आपके रीजनिंग एंड असर्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, जैसे ब्रीदिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं ब्रीथ को तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। योगा में आसना को क्या बोला जाता है, जो पोस्चर्स होते हैं, एंड प्राणायाम जो होता है वो ब्रीदिंग, हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करती है, वो हम रिलैक्स करती है हमारे माइंड को भी हमारी बॉडी को भी। देन पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि थांगता जो है वो मणिपुरी मार्शल आर्ट है, और इसमें क्या क्या होता है, ग्रेसफुल मूवमेंट्स होती है, स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स का यूज होता है। एंड कलारीपयट्टु जो है वो ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट है जो की प्रैक्टिस की जाती है केरला में, और इसमें क्या होता है, स्ट्राइक्स, किक्स एंड सम वेपन्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। देन आपके क्वेश्चन बन सकता है, इंडियन रेसलिंग कुश्ती जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्नेक बोट रेस जो है वो कहाँ होती है, केरला में होती है, किस फेस्टिवल के दौरान होती है, ओनम, तो ये चीजें आपको छोटी छोटी जो है वो आपको लर्न करनी है। अलगुली मेन एंड पलनगुली ये कहाँ पे खेला जाता है, तमिलनाडु में। अदहुली अट्टा ये कहाँ पे खेला जाता है, ये आपका कर्नाटक का फेमस गेम है, ये दोनों बोर्ड गेम है। लेजर टाइम और फ्री टाइम आपका क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको लर्न होनी चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा मैंने क्वेश्चन एंड आंसर में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया।